शनि देव महाराज की कथा। आज हम जानेंगे दोस्तों शनि महाराज की कथा। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे। उन्होंने तो सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वह एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद नौ धातु श्रवण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनवाया और उनको कर्म से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा, साथ यही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 साती आई तो राम को वनवास हुआ, और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़ा लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़फ रहे थे तो एक गवाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी, फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया, अपना नाम उज्जैन का विका बताया। सेठ विका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने विका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने विका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, विका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बिठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। विका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हारकर राजा ने बेटी की विवाह विका से कर दिया। एक रात शनि देव ने विका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। तब शनि देव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका तो राजा विक्रमादित्य है तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कुंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दो पत्नियों मनभावनी एवं श्री कुंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वो तो सर्वश्रेष्ठ है।
तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। तो आपको ये शनिदेव महाराज की कथा कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में जरूर लिखना जय शनिदेव महाराज की। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक ऐसे ही नई कथा के साथ में, तब तक बाय बाय दोस्तों।